आज के लिए इस लेक्चर में हम आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्जन। तो बाइनरी अगर वो बाइनरी कोड में है दोनों, तो बाइनरी से बीसीडी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अगर हम अपने जैसे कि हम हेक्साडेसिमल और डेसिमल में डील करते हैं, तो हेक्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल को बीसीडी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बेसिकली कर रहे हैं हेक्स टू डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो कोई नंबर है, अब देखो 2 डिजिट बाइनरी में, मतलब अगर 8 बिट की बात करूं तो 8 बिट में मैक्सिमम जो नंबर आ सकता है वो आ सकता है FF। ठीक है, और अगर इसको FF को मैं कन्वर्ट करूं डेसिमल में, सही है, तो FF को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हेक्स को यानी इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं, तो ये बनेगा 255। ठीक, तो 00 से लेके FF तक कुछ भी है, ठीक है, ऐसे ही ये 00 से उसी उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा 255 डेसिमल में। तो इसको डेसिमल में लिख देता हूँ, ठीक है, 10 हो गया। अब इसको कन्वर्ट कैसे करें, मतलब हम डेसिमल में या बीसीडी में। तो बीसीडी में कन्वर्ट करने के लिए तो पहले तो इसको इस तरह बनाना है, तो ये बनेगा 2 का क्या आएगा, तो ये जो डिजिट है ये वाली है यूनिट डिजिट, ये वाली जो है 10 डिजिट, और ये वाली है 100 डिजिट। ठीक है, 100 डिजिट हो गए, तो 200 डिजिट, 5 10 डिजिट और 5 यूनिट डिजिट। ठीक, अब इसको जो कन्वर्जन इसका प्रोसेस है बेसिकली, ठीक है, तो इसमें हम करते क्या हैं, नंबर कोई जो प्रोग्राम लिखते हैं यूनिवर्सल लिखते हैं, तो पहले एल्गोरिदम भी जो बनाएंगे वो यूनिवर्सली बनाएंगे। तो सबसे पहले ये कुछ भी नंबर है इसको डिवाइड करते हैं 100 से, और उसका जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा होगा 100 वाली डिजिट। ठीक है, तो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सपोज करो ये मैंने अपना जो इसमें स्टडी मटेरियल भी दूंगा वो यही है, कोई नंबर ले लिया ANH। ठीक, तो इसको पहले मैं 100 से डिवाइड करूंगा, तो 100 बनता है हेक्साडेसिमल में 64H। तो जब इससे डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 45। ठीक है, यह है हमारा रिमाइंडर। ठीक है जी, और जो इसमें नंबर ऑफ 100 आएंगे वो आएंगे 1, तो नंबर ऑफ 100 यानी जो क्वेश्चन है वो है हमारे नंबर ऑफ 100। ठीक है, तो वो है हमारा 01। अब इस 45 जो ही हमारा आया है इसको फिर डिवाइड करूंगा मैं अब 10 से, 10 डिजिट के लिए 10 से डिवाइड किया, तो 10 को इसमें लिखेंगे 0AH, सॉरी 0AH, ये 45 ये एक्चुअली हेक्साडेसिमल में ही है ना, तो इसको 0AH से डिवाइड करूँगा। ठीक है, जो उसका जो रिमाइंडर आएगा, इसको डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर आएगा वो कौन सी बिट है, यूनिट। ठीक है, तो जो आपकी बार रिमाइंडर आएगा वो है यूनिट डिजिट, यानी ये वाली, अगर FF में देखा जाए तो ये वाली डिजिट है, यूनिट डिजिट आएगी ये। और तो ये आएगा जब इसको डिवाइड करोगे, तो कैलकुलेटर से आप इसको यूज़ करके देख सकते हो, तो 09 आएगा। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ जो 10 आएंगे, तो नंबर ऑफ 10 वो आएंगे आपके 06। तो जो नंबर आया है हमारा यानी A9 को अगर मैं हेक्साडेसिमल में, सॉरी A9 तो हमारे हेक्साडेसिमल में है, अगर इसमें वो डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो वो बनता है 169, 169 ये डेसिमल में है, इसको कैलकुलेटर सेव करके देख लो। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम हमें यूज़ करनी है प्रोग्राम बनाने के लिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी नंबर है बाइनरी नंबर, 8 बिट कोई बाइनरी नंबर है, उसको पहले 100 से डिवाइड करना है, जो भी उसका क्वेश्चन आएगा उसको सेव करा देना है किसी रजिस्टर में, उसके बाद जो रिमाइंडर है उसको फिर 10 से डिवाइड करना है, उसका जो क्वेश्चन आएगा उसको सेव करा देना है किसी और रजिस्टर में। ठीक है, उसके बाद ये जो नंबर आएगा उसको सेव करा देना है, मतलब जो फिर ये रिमाइंडर में बचा यूनिट वाला उसको सेव करा देते हैं किसी और में, और फिर उसके बाद उसको जैसे कि इसमें है 69 को एक रजिस्टर में सेव करा सकते हैं, सही है, 609 को फिर वापस में क्या करना है, मिलाना है, तो 69 को एक में सेव करा दो, और इसके लिए 8 बिट में सिर्फ 69 ही आएगा और बाकी ये फिर दूसरी बाइट में आएगा। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो प्रोग्राम में सबसे पहले मैंने कोई नंबर लिया, ठीक है, तो यूनिवर्सल प्रोग्राम बना लेते हैं। यूनिवर्सल प्रोग्राम में कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है,
कोई भी मेमोरी से कुछ भी उठाया है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, रेफरेंस बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी। चलो तो फिर यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई सपोज करो किसी मेमोरी लोकेशन में पड़ा हुआ है, तो मेमोरी पॉइंटर बना लेता हूँ, ठीक है। तो ORG, यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, क्योंकि स्टोरेज प्रोग्राम यहाँ पर इसी लोकेशन से होगा। तो पहले LXI एच के कंटेंट, सपोज करो 2050 मेमोरी लोकेशन है, उससे कंटेंट हमें एक्यूमुलेटर में लेने हैं। तो एक्यूमुलेटर में ले लिया मूव इंस्ट्रक्शन A,M, तो इसको बनाया डेटा पॉइंटर, HL रजिस्टर पर को डेटा पॉइंटर बनाया, और उस लोकेशन से हमने एक्यूमुलेटर में उसके कंटेंट ले लिए। तो 2050 में ही वो हमारी 8-बिट बाइनरी नंबर था जिसको हमने एक्यूमुलेटर में लिया है, ठीक है जी। अब उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट कर देना है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, माइक्रो प्रोसेसर में कोई डिवीजन वाली भी इंस्ट्रक्शन नहीं है डायरेक्टली, तो वो हमें रिपीटेटिव सबट्रैक्शन से परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो बस यही थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। तो पहले अब क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर में तो है ही हमारा ये, ठीक है। तो इसको कुछ अलग से सेव कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाद में यूज़ नहीं करेंगे, हमें तो रिमाइंडर से ही मतलब है। तो SUI सीधा, मैं इसको थोड़ा सा इधर से प्रोग्राम को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करा देता हूँ। SUI 64H, ठीक है। 64 का मतलब है यहाँ पर 100, 64H को जब आप इसको लिखोगे तो ये बनेगा 100 डेसिमल में। तो जैसे हम यहाँ 100 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर हमें क्या करना है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर हेक्साडेसिमल में काम करता है, तो हमें उसको हेक्साडेसिमल में देना है, ठीक है। तो 100, इससे हम SUI 64, उसके बाद जंप इफ कैरी नेक्स्ट। जो आपने सब्ट्रैक्शन वाले प्रोग्राम देखे हैं उनको आप एक बार चेक कर लें, तो वो इसी तरह का है ही है। उसके बाद INR, अगर कैरी आया, कैरी आया का मतलब है बोरो आया, तो बोरो आने का मतलब है जो नंबर है एक्यूमुलेटर में वो 64 से छोटा है, ठीक है, स्मॉलर है, तो इसी वजह से बोरो आया। तो बोरो आएगा तो ये स्किप कर जाएगा, अगर ये प्रॉपरली माइनस हो जाता है तो इसका मतलब है एक क्वेशेंट बनता है फिर, ठीक है। वो ऐसा ही है जैसे कि 5 डिवाइड बाई 2 करूँ इसको, जो नहीं थोड़ा सा, तो 5 डिवाइड बाई 2 करूँ तो ये मेरा बनेगा, इसमें 1 मेरा रिमाइंडर में आएगा और 2 मेरा क्वेश्चन में आएगा, तो क्वेश्चन में आएगा 2, ठीक है। तो अब जब इसको रिपीटेटिव सबट्रैक्शन करेंगे तो 5 माइनस 2 कितना बचा, 3। तो एक बार सक्सेसफुल सबट्रैक्शन हुआ तो हमने क्वेश्चन में इसको रख लिया 1, ठीक है, अभी रिमाइंडर में 3। फिर एक बार फिर ट्राई करते हैं, 3 माइनस 2 किया तो 1 रिमाइंडर में आया, सही है, और क्वेश्चन में ये दूसरी बार सबट्रैक्शन हो गया तो 2 ले लिया, ठीक है। अब तो नहीं होगा, 1 माइनस 2 करेंगे तो अब रिजल्ट आएगा -1, ठीक है। तो ये अनसक्सेसफुल हुआ, तो यहाँ पर ये कैरी जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है जो इससे को हम माइनस कर रहे हैं तो वो उससे ग्रेटर है, जैसे कि SUI में है वो उससे ग्रेटर हो गया, तो इस वजह से वो बोरो वाला सेट हो जाएगा। तो बोरो वाला सेट हो जाएगा तो हमें फिर क्या करना है, वापस -1 को 1 बनाने के लिए -1+2 कर देना है, ठीक है, और वो वापस 1 बन जाएगा। और जो सक्सेसफुल सबट्रैक्शन है, यानी ये वाली पार्ट, सभी ये वाली, इसको हमें जो सक्सेसफुल जो हुए उसको हमें ही, वो हमारा हो गया क्वेशेंट, ठीक है, इस तरह का लेकर चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, उसके बाद INR इंक्रीमेंट करा रहे हैं किसको, एक रजिस्टर ले लिया B, तो B में क्या है, B में 10 डिजिट सेव करा रहे हैं, तो B में सेव करा रहे हैं 10 डिजिट, सॉरी 100 डिजिट, 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 100 डिजिट है, ठीक है। तो 100 वाले जो डिजिट है वो इसमें हम सेव करा रहे हैं, तो 100 डिजिट B में, ठीक है, इंक्रीमेंट कराया B को, और फिर वापस जंप बैक से, तो B1 लिख देता हूँ, तो जंप B1 यहाँ पर पहुँच गए। तो इस तरह से प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा, और जब भी अगर कैरी आया तो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन हमारा आया नेक्स्ट 1 इधर, तो यहाँ पर क्या करेगा ये, अब इस कंडीशन में पहुँच जाएगा। बोरो तो तभी आएगा जब छोटे में से बड़ा माइनस होगा, तो बोरो आया, तो बोरो आया तो इसका मतलब है कैरी फ्लैग सेट हो गया, तो ये यहाँ पर इधर आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इसमें क्या करेंगे, वापस ADI 64H, तो अब एक्यूमुलेटर के कंटेंट वापस क्या हो गए, ये अगर 5 माइनस 2 लेके चल रहे हैं तो, ठीक है, मतलब इससे थोड़ा सा देख लो, बिल्कुल वो एग्जैक्ट नहीं है, मतलब 5 लिया है तो यहाँ -2 कर रहा हूँ, यहाँ पर -64 कर रहा हूँ,
ठीक, अब आगे चलते हैं। एडीआई वाला हो गया, ठीक है। अब एक्यूमुलेटर में हमारा बचा रिमाइंडर, और जो हमारा क्वेशेंट है वो आया बी में, यानी 100 वाली जो डिजिट है वो बी में सेव हो गई, और जो ये वाला पार्ट है ये वाला अब हमारा एक्यूमुलेटर में है। अब हमें 10 से डिवाइड करना है, तो अभी हम यहाँ करेंगे एस यू आई, सेम उसको लिख देना है एस यू आई 0H, ठीक है, जंप इफ कैरी एंड टू नेक्स्ट टू, ठीक है, जंप इफ कैरी, ठीक, आगे चले। जंप इफ कैरी हो गया, उसके बाद आई एन आर एक नंबर और ले लेते हैं, एक रजिस्टर ले लेते हैं जिसमें 10 डिजिट को सेव करेंगे, ठीक है जी। तो उसमें ले लिया हमने सी रजिस्टर, तो अब सी में है 10 डिजिट सेव हो रही है, ठीक है जी, सी में 10 डिजिट सेव हो गए। उसके बाद जंप, यहाँ पर मैंने दे दिया इसको बी टू, तो ये बी टू इधर चला गया इस लेवल पे, ये लूप चलता रहेगा, जब भी अगर कैरी आएगा तो बाहर आ जाएगा, अब आएगा एन टू पे, ठीक है जी। एन टू पे आया तो वापस क्या करना है, ए डी आई 0AH, यही वाला पार्ट फिर दोहराना है, फिर उसमें करना है। तो अब एक्यूमुलेटर में अब रिमाइंडर प्रॉपर आ गया, पहले नेगेटिव वैल्यू थी एक्यूमुलेटर में, यहाँ पर आया 0A किया तो ये वाला हमारा रिमाइंडर पार्ट आ गया, ठीक है। तो ये मान के चल रहे हैं कि इसमें वैसे यूनिवर्सल प्रोग्राम है तो नंबर अभी यही मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो बी में जो आएगा, बी में आएगा 1, ये एक बार ही होगा, तो बी इक्वल टू होगा 0 1, ठीक है। यहाँ पर ए डी आई 64 करते ही एक्यूमुलेटर कंटेंट हो जाएंगे 45H। उसके बाद सी में जब इस पूरे लूप को कंप्लीट करेगा तो सी की वैल्यू आएगी 0 6, और जब इसमें 0 ऐड करेंगे तो वापस ये आएगा यहाँ पर एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0 9। तो 0 जो 9 है, 0 9 जो है ये हमारी है यूनिट डिजिट बेसिकली, ठीक है। अब इसको इस मैनर में लगाना है, अभी तो सब अलग अलग हैं, सब डिस्क्रीट हैं, ये 1 है, 6 है, 9 है, अलग अलग पड़े हुए हैं, तो हमें ये 6 9 का 69 बना देना है, ठीक है। तो 69 बना देने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई एन एक्स एच डेटा पॉइंटर को इंक्रीमेंट करा दिया, ठीक है, आई एन एक्स एच, और उसके बाद मूव एम में हमने डाल दिया बी को, बी को खाली करा दिया, सही है, क्योंकि ये डिजिट को हमें इसके साथ कंबाइन करनी नहीं है, 69 ही बनाना है ना हमें ये वाला, सही है। तो 1 को तो सेव करा नहीं है मेमोरी में, ठीक है, तो उसमें जो हायर बाइट है या 100 वाली जो बाइट, 100 वाला जो डिजिट है वो सेव करा दिया इस मेमोरी लोकेशन में, तो हम इस किस मेमोरी लोकेशन में, 2051H में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मूव बी में एक्यूमुलेटर को ले लिया, एक्यूमुलेटर कंटेंट है 09, 09 में सेव करा दिया। मूव एक्यूमुलेटर में अब ले लिया इस वाले को 06 को, इसको बनाना है 60, 69 है ना, तो यहाँ पर 06 है तो इसको बनाना है 60, तो इसको ले लिया है सी में, मतलब एक्यूमुलेटर में ले लिया। अब उसके बाद इंस्ट्रक्शन लगा देते हैं RRC 4 बार, तो यहाँ पर अभी ये जो एक्यूमुलेटर जो कंटेंट है वो है हमारे 06, ये क्या बनाने हैं, हमें बनाने इक्वल्स टू 60, और उसके बाद इसको ऐड करा देना है, ठीक है बस। तो RRC, उसके बाद RRC, RRC, तो ये हमारे कंटेंट हो गए, ए के हो गए हमारे 60, तो इसको बोलते हैं स्वैप, निबल चेंज हो जाना, यानी 0 इधर लाना और 6 को इधर ले जाना, तो इसको बोलते हैं स्वैप, ठीक है। उसके बाद ए डी डी, बी में है हमारी ये वाला जो बी है इसमें है हमारा 09, तो बी में यहाँ पर क्या है 09, ये तो कन्वर्ट हो गया, अब इन दोनों को ऐड करा दो बस। ऐड कराया तो किसके साथ कराया, बी के साथ बस, उसके बाद उसको स्टोर करा दिया आई एन एक्स एच इंक्रीमेंट किया और उसको सेव करा दिया 2052 में, 51 में 100 वाले डिजिट और 2052 में 69 को सेव करा देंगे, तो मूव एम कोमा ए और उसके बाद हॉल्ट, बस ये प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। कोई अगर इसमें क्वेरी है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, थैंक यू।